संविदा शिक्षक भर्ती राजस्थान 2022। संविदा शिक्षक भर्ती राजस्थान 2022 किस नियम के अंतर्गत? राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल 2022। इस नियम के अंतर्गत संविदा शिक्षक रखे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन उनको आगे बढ़ने की लंबे समय तक रहने की संभावना ज़्यादा है। ये वीडियो में हम देखेंगे मानदेय किस प्रकार का है और मानदेय कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। मैं साराठ, नमस्कार स्वीकार करें, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले पदों की संख्या एवं मानदेय। पदों की संख्या में पहले है सहायक अध्यापक लेवल 1, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएंगे। विषय सभी इनको पढ़ाने होते हैं 1 से 5 तक, और पद है 7,140। मानदेय प्रतिमाह जो है 16,900 रुपये, ये प्रतिमाह इनको फिक्स वेतन मिलेगा। इसके बाद अगले पद है सहायक अध्यापक लेवल 2 बोलते हैं जिनको। ये दो प्रकार के पद हैं, गणित और अंग्रेजी। तो गणित के 1,430 और इंग्लिश के भी 1,430, और वेतनमान वही प्रतिमाह 16,900 और 16,900। यानी तीनों ही प्रकार के जो पद हैं, वेतन समान है 16,900 प्रतिमा। इस प्रकार टोटल पद जो हो गए वो हो गए 10,000। 10,000 टोटल पद हैं। ज्यादा पद जो हैं लेवल 1 के हैं, 7,140। अब इसमें योग्यता देख लेते हैं। योग्यता वही जो एक शिक्षक के लिए होती है L1 L2। अध्यापक लेवल 2 के लिए 50% अंकों के साथ अंग्रेजी व गणित के साथ स्नातक हो, और बीएड या डीएलईडी या बीएसटीसी आपने कर रखी हो। और महत्वपूर्ण शर्त क्या है कि रीट लेवल द्वितीय की वैधता भी बाकी हो। रीट लेवल द्वितीय आपने जो भी न्यूनतम अंक कैटेगरी वाइज चाहिए वो आपने प्राप्त कर रखे हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो स्नातक है आपकी, ये होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी माध्यम से आपको स्नातक होना है, तभी आप इस पद के योग्य होंगे। और अब देख लेते हैं अध्यापक लेवल 1, इसके लिए 10+2 अंग्रेजी माध्यम से, जैसे उसमें स्नातक अंग्रेजी माध्यम से है, इसमें 10+2 अंग्रेजी माध्यम से, डीएलईडी बीएसटीसी और रीट लेवल प्रथम की वैधता भी बाकी हो। रीट आपने क्लियर भी की हो न्यूनतम अंकों के साथ, और उसकी अभी वैधता भी बाकी हो। ये कंडीशन है आपकी योग्यता के अंतर्गत। अब देखें इस भर्ती में आप आते हैं, क्योंकि एक तो ये इंग्लिश मीडियम है इसलिए ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा। स्नातक और +2 में इंग्लिश माध्यम है तो कंपटीशन कम होगा। तो 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर क्या मिलेगा आपको? पदनाम क्या हो जाएगा? पदनाम हो जाएगा सहायक अध्यापक लेवल 1 और सेकंड का ग्रेड 1, ये पदनाम हो जाएगा। और मानदेय 9 वर्ष के बाद 29,600। 29,600 जो है आपका मानदेय हो जाएगा 9 वर्ष पश्चात। 9 वर्ष पश्चात। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिससे आपको आगे संभावना का पता चले, वो अब देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है पहला बिंदु है, ये जो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में, जो महात्मा गांधी विद्यालय के नाम से भी जाने जाते हैं या अन्य अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, उनमें कक्षा 1 से 10 तक जो संचालित है उनमें लगाए जाएंगे। दूसरा, आपके आवेदन जो है शीघ्र ही ऑनलाइन लिए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ये भी फायदा है। दूसरा, नियुक्ति अधिकारी श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक होंगे, डीओ जो है उस जिले के, और इसमें आपके अंक शैक्षिक के 75% और प्रशैक्षिक के 25% जैसे गेस्ट फैकल्टी में थे वैसे ही इसमें है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि वो स्कूल स्तर पर या पीओ स्तर पर है, ये नियुक्ति अधिकारी जो है आदेश जिला स्तर पर निकालेंगे आपका चयन करके। और एक फायदा और होगा आपको, काउंसलिंग में आपको विद्यालय का ऑप्शन या वरीयता भरने का भी हक मिलेगा, जो आपके नजदीक विद्यालय उनका आप चयन कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण देखें, एक वर्ष पश्चात समीक्षा कार्यावधि को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष आपकी समीक्षा होगी और कार्यकाल आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार यदि 9 वर्ष तक ये चला आपका कार्यकाल, तो आपको 29,600 रुपए मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। महत्वपूर्ण है ये भी, रिक्तियां जो है ग्रामीण विद्यालयों में आपको मिलेंगी। ग्रामीण विद्यालयों में आपको काम करना है और L1 जो है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएगा और L2 जो है कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाएगा। प्रयास उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।